भाई वो पिकअप थी वो तो निकल गई, अब आगे ट्रैक्टर आ रहा है यार। ये वो देखो भाई, वो आ रहा, जगह नहीं है यार, इधर पहाड़ है भाई। चलो भाई आ तो रहा, धीरे धीरे देखते हैं निकल जाएगा क्या। अरे भाई आड़ा मत देना, निकल जाएगा। निकल गया भाई, निकल गया। चलो भाई, बहुत डर रहता है यार। चल मेरे भाई, अरे कहाँ जा रही है भाई? अभी तो भाई एक्सीलेटर ज्यादा खींच दिया था मैंने। अरे भाई तो भाई सीधे हाईवे पे मिलेंगे भाई, अब यहाँ कोई फायदा नहीं है भाई। सीरियसली बता रहा हूँ हकीकत में, पहले जब मैं आया था ना रास्ता सही था, ये बरसात के बाद है ना भाई ऐसा खतरनाक खराब हुआ है ये। मतलब आज तो इतना दुखी हो गया मैं इधर होके, भयंकर भयंकर वाला दुखी हो गया भाई, भयंकर वाला। एक तो साले ये पेड़ पौधे यार, ये देखो यार, ये दिखता नहीं आगे, कोई आ रहा नहीं आ रहा। और ऊपर से बकरियां फकरियां आ रही है, आगे से कोई दूसरा साधन आ जाता वो लपड़ा भाई, कुछ ना कुछ तो आ जाता है। कभी ट्रैक्टर आता था साला, कभी पिकअप आती, कभी क्या आता है। अभी लेडी देखो भाई, इनको हटाएगी नहीं, देख लो आप, देखना हटाएगी नहीं, बस हाथ ही कर रही बाकी हटा नहीं रही भाई। पहाड़ की भी देख लो भाई साहब, एक नंबर। वाह यार, ये रास्ता इधर उधर है, शायद पहाड़ के अंदर ही जा रहा है यार ये, गजब। और ये देखो अंकल, निकाल भाई निकाल राजस्थान में भाई, मिलेगा ये आपको। चलो अंकल ने आज से ऑर्डर दे दिया, निकलो भाई। गजब भी आ रहा पहाड़ का, एक नंबर भाई। शायद कोई मंदिर वंदिर है देवी देवता का, बालाजी का मंदिर है भाई, बालाजी का। चलो बढ़िया रोड मिलता है, मैं गाड़ी खींच देता हूँ। अरे ये बढ़िया, लो सेकंड में खराब आ जाता है भाई। 35 किलोमीटर दुखी होने के बाद में, पूरा 35 किलोमीटर दुखी होने के बाद में अब जाके रोड मिला भाई ढंग का। साला बेजा खराब हो गया मेरा, गाड़ी चला धचड़ धचड़ यार, बताओ यार गाड़ी चलती है। ये भी भाई अभी बना है थोड़े दिन पहले, ये भी खतरनाक था रास्ता, चौड़ा तो इतना ही था पर सिंगल रोड था, दोनों तरफ भाई खड्डे पत्थर पत्थर कंकड़ वंकड़ ऐसे थे। ये देखो ये आ गया सिंगल रास्ता, ये आगे, ये भाई पहले ऐसे था, ये ऐसा था भाई पहले ही, बस वो इतने सी शांति आई थी बस। हाईवे भी आ जाएगा वैसे थोड़ी देर बाद में, ज़्यादा दूर तो नहीं है हाईवे से, है बाकी 2-3 किलोमीटर होगा शायद यहाँ से। चलो इससे चल जाएगा काम, सही है। तो भाई ये आ गया बिनोरी का बालाजी, इनको है ना बिनोरी का बालाजी बोलते हैं, मंदिर है बहुत बड़ा वाला, अच्छा मंदिर है भाई बिनोरी का बालाजी का, गार्डन टाइप भी बना हुआ है थोड़ा सा, सही है। तो यहाँ से एक रास्ता जा रहा है भाई इधर पिपलाई बावनवास की तरफ, ये गाड़ी खड़ी ना इस तरफ, और अपन को जाना भाई इस तरफ लालसोट की तरफ, अपन को भाई लालसोट की तरफ जाना है, फिर वहां से कट निकलेगा, फिर उधर से सवाई माधोपुर रोड पकड़ेंगे भाई अपन। चलो मंदिर मस्त है भाई, एक नंबर बिनोरी के बालाजी का। और ये अपना हाईवे है, मिल चुका है बस 1 किलोमीटर का, और थोड़ा सा साइड में होके कैन अपन को शॉर्टकट लेना पड़ेगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन मस्त हाईवे पकड़ लेंगे एक और, ये भाई लालसोट हाईवे है, फिर अपन पकड़ेंगे सवाई माधोपुर हाईवे। तो अपन ने भाई उस हाईवे को छोड़ दिया है और अपना भी जा रहे हैं सवाई माधोपुर हाईवे की तरफ, जो कि निकलेगा गोलिया से। और इस जगह का नाम क्या है भाई, क्या है, ग्राम पंचायत खेमावास भाई, इसके ऊपर लिखा हुआ उधर सामने आपको दिख जाए तो, और ग्राम पंचायत खेमावास है। तो ये है 1.5 किलोमीटर रास्ता, इसके बाद में फिर अपन को सवाई माधोपुर हाईवे मिल जाएगा। वैसे भाई ऑफ रोडिंग मजा तो आ गया, पूरे बॉडी के नशे खुल गए भाई इधर, क्यों डसड़ 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 यू लेके, और मजा आ गया चलाने में। बाकी यार इसको गाड़ी को दुख होता है मेरे को ऐसे खड्डों में चलाने में, इनमें। और आज दूसरी बात क्या, मेरा मंगलवार का फास्ट है तो थोड़ा सा पेट का भी मामला है भाई,
शायद लग गया भाई क्या खतरनाक। ये लो भाई गांव में धक्के खा खुआ के निकल के आ गए। और ये भाई इधर तो क्या लाल सूट है, तो अपन को जाना इधर सवाई माधोपुर। ये लो भैया पकड़ लिया सवाई माधोपुर रोड, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस रास्ते में अपनी एक फेमस दुकान आएगी भाई चाय की, तो उसमें चाय पी के चलेंगे अपन, बाकी इसके अलावा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भाई साहब कैसे बकरा देखो, ये गाय का बच्चा, ये करवाते एक्सीडेंट। एक बार भाई मैं पल्सर से गया था जो गाय मरी पड़ी थी भाई, वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मजे ही मजे हैं। तो भाई गाड़ी का है ना टायर प्रेशर बढ़ गया, पता नहीं सुबह लाया था जब एक में तो 27 थी और बाकी सब में 35-38 ऐसे कुछ थी। तो भाई अभी देखो यार कितना प्रेशर बढ़ गया भाई, 48-46 हो गया, एक में 44-45 हो गया, कम करना पड़ेगा भाई इसको। हाईवे पे गाड़ी में टायर फटने का मेन कारण यही होता है कि हम क्या टायर प्रेशर चेक नहीं करते भाई, और टायर में हवा ज़्यादा हो जाती है और फिर भाई टायर है ना स्पीड के चक्कर ब्लास्ट हो जाते हैं भाई, इसलिए ना हमेशा टायर प्रेशर ध्यान रखा करो। ये देखो अंकल कैसे घूमा, कैसे ऐसे घूमते हैं भाई, ये लफड़े हैं हाईवे पे। गाँव के लोगों को ना चलाने की बिल्कुल क्या पता कैसे चलाते हैं यार, भगवान जाने, जैसे मर जाए वैसे घुमा दिया, जैसे मर जाए जैसे चला लिया, साला सिस्टम से ही बाहर है। एक तो भाई इस फोन में थोड़ी कभी वाइड एंगल नहीं है यार, सिस्टम खराब रहता है थोड़ा सा। अब ये माइनस होगा या नहीं होगा, नहीं हो रहा भाई यार, ये नहीं होता भाई, इतना रहेगा ये, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब की बार भाई फोन लेना वाइड एंगल वाला लेना, तो क्या थोड़ा सा उससे वीडियो में शूट होता, मज़ा आता है चलाने में, शूट करने में मज़ा आता है, दिखता नहीं है वैसे। क्या भी फोन को यू करना पड़ता है तो दिक्कत होती है। तो भाई ये सामने थड़ी एक पेड़ दिख रहा होगा आपको नीम का, बस यही अपने फिक्स दुकान है चाय की, तो यहाँ अपने चाय पी के चलेंगे भाई जरूर, शायद अपना भाई मिल जाए जानकार, तो बढ़िया ही है। हाँ ये दुकान है भाई चाय की, यही है भाई। चलो भाई मस्त चाय वाय पी ली है और मूड फ्रेश हो गया बिल्कुल। अब भाई सोच रहा हूँ ससुराल चल जाऊँ यार, थोड़ा सा काम था वहाँ, लेट हो जाएंगे लेकिन देखते हैं। चलो रास्ते में पड़ता है ससुराल वैसे पढ़ने को, तो आउट जाना पड़ता है 8 किलोमीटर बाटोती से, वैसे 4 बजे तो 5, 6, 7, 8 लेट तो जाएगा। चलो फिर भी जाके दादा मिल के आते हैं यार, पापा जी की तबीयत खराब है, बुखार वुखार आ रखा है उनको, तो मिल जाते हैं उनसे। पिकअप वाला मस्त चला रहा गाड़ी है, धड़ाधड़। चलो इसको ओवरटेक कर लेते भाई, इनका भरोसा नहीं होता, कतई भरोसा नहीं इनका। तो भाई यहाँ चल रहा है रोड का काम, एक तरफ बन गया एक तरफ नहीं बना, थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू है और ट्रैक्टर आ रहा सामने से बढ़िया, इसको साइड देनी पड़ेगी मतलब, क्योंकि उधर नया रोड बना है तो चढ़ेगा नहीं, इसलिए भाई अपन को इधर लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर ले लेंगे अपन, क्या बड़े बड़े डंपर लगा रखे हैं भाई, एक नंबर मजा आ गया देख के, वाह यार गजब सीन चल रहा है जोरदार एक नंबर। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई, भाई कर रहा है सफाई, हवा मार रहा था भाई खतरनाक, पूरा रोड उधेड़ के पटक रखा है, लेकिन रोड सही है, नीचे वाला रोड है ऊपर का हटा दिया उन्होंने, क्योंकि रोड का बरसात की वजह से खराब हो गया था ना, तो बनाने लगे भाई। और ये भाई हाईवे है कोटा लालसोट मेगा हाईवे, तो इसको बनाना जरूरी है, और टोल आ रहा है भाई आगे, ये मशीन है यार इससे उधेड़ रहा रोड, देखो यार खतरनाक है, ये देखो भाई रोड उधेड़ी जा रही है और ऊपर देखो भाई वो भर रहा ट्रक के अंदर, ट्रक से भरी जा रही है भाई डायरेक्ट ही भाई, उससे है ना वो नीचे से उधेड़ के डायरेक्ट भरी जा रही, क्या सिस्टम है बताओ। चलो भाई टोल तो क्रॉस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई अपन को, फास्टैग लगा हुआ इसलिए हो जाता है भाई बराबर। भाई वीडियो शूट होती रहती है, लोग देखते रहते हैं यार क्या कर रहा है भाई, यार वीडियो कैसे बन रही है यार, दिमाग में क्या टेंशन। अभी रोड बन रहा था तो वो रोड बनाने वाले देख रहे थे भाई मेरे तरफ, उनको लगा कि भाई यार वीडियो बना रहा भाई क्यों बना रहा है, तो मतलब एक अलग सा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है भाई। चलो अगर कोई बात नहीं है तो होते रहते भाई, अपना काम है भाई वीडियो बनाने का, अपन बनाएंगे, अपन डरेंगे नहीं, अगर कोई कुछ बोलेगा तो अपन उसको समझा देंगे भाई,
और बोलेगा नहीं बनाना तो नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कोई वही नहीं है, पर जो काम है अपना वो तो करते ही है।